समाजवादियों की धरती रीवा में गद्दार नीतीश का पुतला दहन किया गया। ठीक है मैडम जी, लेकिन आ जाइए आप। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बार बार तख्तापलट एवं पाला बदलने से समाजवादियों की धरती रीवा में तमाम संगठनों के प्रमुखों ने मिलकर नीतीश कुमार का अग्रसेन चौक रीवा में पुतला दहन कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि आज जिस दल के चलते देश के संविधान और लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, ऐसे दल से हाथ मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के 70% आवाम के विचारों की हत्या की है। ऐसे गद्दार को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसी कसम हम सबको मिलकर लेनी चाहिए। घर वाले यार, तो गलत बात है ना यार। देखिए आज समाजवादियों की धरती रीवा में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। नीतीश कुमार द्वारा बार बार पाला बदल करके और एक ऐसे दल के साथ हाथ मिलाने का काम किया है जिसने भारत के संविधान को मिटाने पर आमदा है। ऐसे दल से हाथ मिलाने से तमाम सारे देश में लोगों में नाराज़गी है, जिसको लेकर के आज से रीवा में समाजवादियों की धरती में उससे आक्रोशित लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन करके और विरोध जताया है कि ये बार बार समाज के साथ गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं होगी और लगातार तमाम लोग इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में अभी तो कई दिन ये विरोध चलता रहेगा और कई जगह पुतला दहन किए जाएंगे। नीतीश कुमार का रीवा में पुतला दहन कर विरोध में जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें प्रमुख रूप से बद्री प्रसाद कुशवाहा, मास्टर बुद्धसेन पटेल, आरएस वर्मा, एडवोकेट शिव सिंह, एडवोकेट भारतीय किसान यूनियन टिकैत, मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन उमेश पटेल, समाज सेवी रामेश्वर सोनी, किसान नेता सुग्रीव सिंह, अर्जुन सिंह, इरफान सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, बाल्मीक पटेल, शिवम सिंह, जगन्नाथ कुशवाहा, राजकुमार पटेल, प्रभात कुशवाहा, जगन्नाथ कुशवाहा आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।